शाम का टाइम है, शाम के बजे हैं 6 बजे हम सब्जी मंडी चले गए थे। यहाँ पर सब्जी, जैसे कोटा में सब्जी मंडी एक शाम को लगती है, वहाँ लाने गए थे सब्जी और फल बच्चों के लिए। तो शाम को 5 बजे खुलती है, तो 6 बजे हम स्कूटी लेके पहुँच गई थी मैं वहाँ पर सब्जी लाने, और ताज़ा सब्जी मिलती है। सब्जी लेके आ गए हैं फल और सब्जियाँ बच्चों के लिए, तो इनको जैसे धोनी है निकाल लेती हूँ। जैसे यहाँ से हमको पास में ही पड़ती है, ज़्यादा दूर नहीं है, स्कूटी लेके जाएं तो ज़्यादा दूर नहीं पड़ती। और बिल्कुल ताज़ा सब्जी लगाते हैं शाम को, जैसे कुछ रेडियां या कुछ लगती हैं थोड़ी बहुत सब्जियां, ज़्यादा नहीं लगती हैं वहाँ पर, तो बिल्कुल ताज़ा मिलती हैं, इसलिए शाम को लानी शुरू कर दी है मैंने। यहाँ से शाम को चले जाते हैं और ले आते हैं सब्जियां ताज़ा। यहाँ लेते हैं तो जैसे बासी बासी सी होती हैं, एक दिन जैसे बनाने के लिए लेते हैं उसी दिन खराब खराब सी हो जाती है। ले तो लेते हैं यहाँ पर भी, पर अब तो सब्जी मंडी से ही हफ्ता में एक बार लाने लगी हूँ, जो बीच में ज़रूरत होती है तो फिर यहीं से ले लेती हूँ फल सेब शाप, यहाँ पूरे हफ्ते के ले आती हूँ। सब्जी लाने के बाद, जैसे निकालने के बाद यहाँ पर मैं धुल रही हूँ, धो के रख देती हूँ। जैसे शाम को मैं खाना पीना सब हो गया है, फिर उसके बाद मैंने सब्जी निकाल के रख दी थी, धुली नहीं। पहले खाना खुना बनाया, बच्चों को खिलाया, फिर बर्तन वर्तन साफ किया, पूरा किचन साफ किया, उसके बाद मैं सब्जी धोने लग गई थी। शाम का टाइम हो रहा है, जैसे 10 बज रहे हैं, तो 10 बजे सब्जी धोने का टाइम लगा है। सब्जी धो के अब लगा दूंगी, इतना और काम जो बचा हुआ है वो करके फिर मैं इसको, सूख जाएगी तो फ्रिज में लगा के फिर सोना है मुझे, क्योंकि सुबह फिर जल्दी वही बच्चों का काम लगता है, तो सुबह नहीं कर पाती, शाम को ही सारा निपटा के काम पूरा करके फिर सोऊंगी। इसलिए अब धो दूंगी तो इसका पानी निकल जाएगा, फिर अच्छे से फ्रिज में लगा दूंगी सूखने के बाद। सब्जी पूरी धुल गई है, टमाटर रह रहे हैं तो टमाटर भी धो के रख देते हैं। ये फिर दूसरे दिन दोपहर की है, उसके बाद मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई क्योंकि टाइम नहीं लगा वीडियो बनाने का। सुबह बच्चे चलते हैं तो उनका जल्दी होता है, फिर और काम का जल्दी होता है, फिर मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। फिर यह है दोपहर की, जैसे बच्चे आते हैं तभी की, तो तब मैंने प्याज के बनाने हैं पराठे, तो कैसे बनाती हूँ आपके साथ शेयर करती हूँ। कई जैसे कहते हैं कि प्याज निकल जाते हैं पराठे में से, बिल्कुल भी नहीं निकलते, आलू की तरह भर के हम बनाते हैं। तो यहाँ पर मसाला डाला है मैंने प्याज में, अजवाइन, साबुत जीरा बिना भुंधा हुआ, और नमक, धनिया पाउडर, लाल मिर्च और भुंधा हुआ जीरा, थोड़ा सा गरम मसाला, ये सभी चीज़ मैंने डाल ली हैं इसमें, और कस्तूरी मेथी मेरे पास नहीं है, वो भी डालें तो बहुत टेस्ट लगता है। और हरा धनिया भी नहीं है मेरे पास, और मैं डालती भी नहीं हूँ क्योंकि बच्चे कम खाते हैं, तो बच्चों से के हिसाब से बनाती हूँ मैं चीज़ें जो बनाती हूँ खाने की, क्योंकि बच्चे खुश होकर खाते हैं वही चीज़ बनाती हूँ। डाल तो देती हूँ थोड़ा बहुत आलू के में, तो वो खा लेते हैं, फिर इसमें नहीं खाते तो इसमें है भी नहीं मेरे पास, और डालती भी नहीं होता तो भी। तो यहाँ पर वीडियो की जैसे मैं आवाज़ करती हूँ तो यहाँ पर साधन आते जाते रहते हैं, उसकी आवाज़ आती है, कितना भी सेफ्टी से बनाओ पर साधनों की आवाज़ तो ज़रूर आती है बाहर से, उसके लिए सॉरी। और यहाँ पर जैसे कहते हैं निकल जाते हैं, तो बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाऊँ, जैसे आलू के पराठे बनाते हैं वैसे के वैसे बनाती हूँ मैं। तो पहली रोटी मैंने निकालती है यहाँ पर गाय की, और अब जैसे मैंने लोई बना के और बेल लिया है उसको, आधी रोटी से बेल लिया है, पूरा नहीं बेला है, उसमें अब डाल लेती हूँ मैं प्याज। बिल्कुल इजी है, बिल्कुल कुछ भी नहीं निकलता। नमक पहले न मिलाएं, जैसे बनाने लगे तभी नमक मिलाएं, क्योंकि नमक पानी छोड़ देता है, फिर वो
चिप चिप करने लगता है, बेलते हैं तब फिर नहीं बेलती है, फिर प्याज बाहर निकलते हैं। तो नमक साथ में मिला देते हैं, तुरंत जैसे बनाने लगे तभी नमक मिलाए। और मैंने इसमें प्याज अच्छे से भर लिए हैं, कम भी नहीं डाले हैं, बहुत ज़्यादा प्याज डाले हैं मैंने उसमें। और वैसे ही मैं आलू का पराठा बेलती हूँ, बर्मा पराठा, वैसे ही मैं इसको बेल के बना रही हूँ। आप देख लीजिए, बिल्कुल आसान है, इजी है, बिल्कुल ही आसान तरीके से बनता है। और दही के साथ और अचार के साथ बहुत टेस्टी लगता है, देख लो बिल्कुल भी नहीं निकला है। और अच्छे से बिल गया है, बिल्कुल भी बाहर नहीं निकले हैं। और ज़्यादा मोटा भी नहीं बनाया, ये सोचो कि मोटा बनाया तब नहीं निकले, बिल्कुल पतला पराठा बनाया है, ज़्यादा मोटा नहीं बनाया है। इसी तरीके से मैं दूसरे में भी ऐसे ही प्याज भर के बनाऊंगी। बिल्कुल आसान है, मुश्किल नहीं है, जिसको नहीं बनाना है तो वो भी बना सकता है इसको, पराठे को। बिल्कुल मुश्किल नहीं है पराठा बनाना, और अच्छा भी बहुत लगता है, टेस्टी, जैसे दही के साथ, इसके साथ हरी मिर्ची का अचार हो जाए, या चाय के साथ भी खाते हैं कई लोग, उनको अच्छा लगता है। जैसे अल्ट पलट के, और मैंने अच्छे से घी लगा के पराठे को अच्छे से पका लिया है, बिल्कुल करारा करारा पराठा बना है और पक्के तैयार हो गया है। मैंने दूसरा पराठा डाल दिया है तवे पर, और पहला पराठा आपको दिखाऊंगी कितना करारा करारा सा बना है पराठा। प्याज के पराठे किस किस को पसंद हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और देख लो कितना अच्छा पराठा बना है, ये भी नहीं है कि इसमें प्याज नहीं है, प्याज भी खूब भरे हुए हैं। बच्चों को लगा देती हूँ थाली अभी, क्योंकि गरम गरम पराठे ही अच्छे लगते हैं। तो साथ में डाल दूँगी दही, हरी मिर्ची का अचार और पराठा। आलू के पराठे के साथ तो घी खाते हैं, प्याज के पराठे के साथ घी नहीं खाते हैं, अपने अपनी पसंद होती है। तो इसके साथ घी नहीं डालूँगी, मक्खन या घी, दही के साथ अच्छे लगेंगे। इसके साथ लेंगे हरी मिर्ची का अचार, तो बच्चों की थाली लग के हो गई है तैयार। साथ साथ जैसे बनाती जाऊंगी और बच्चों को देती जाऊंगी, तो खाना खाते जाएंगे साथ साथ में ही, गरम गरम पराठे।